नमस्ते सत श्री अकाल एवरीवन। सो मेरे इस चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप मेरा व्लॉग देख रहे हो और आपको पता है कि मैं इस वक्त मेरे मायके आई हूँ, ठीक है। ये अवंतिका है और इसी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। सो इसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के लिए और रेस्ट मोड पर हूँ मैं, इसलिए आई हूँ। सो अभी जो मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, ये ना दोस्तों, मैं जब गाँव गई थी तो मैंने 10 डेज़ चैलेंज किया था कि 10 डेज़ मैं लगातार वीडियो अपलोड करूंगी, और मैंने उस टाइम पे नहीं किया क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस लगातार आ गए, लूप में थे, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं डाल पाई और वो वीडियो पेंडिंग पड़ा है मेरे पास। सो अब जैसे कि मैं मायके में हूँ, सो फिलहाल के लिए मैं वो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, तब तक मेरे वो वीडियोज़ इन्जॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोगों को वो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैंने सोचा है आज से मैं 10 डे रूटीन का व्लॉग बना रही हूँ, ओके। सो आज से लेके 10 दिनों तक दिनचर्या का मैं आप सभी को व्लॉग दूंगी कि क्या क्या होता है, बिकॉज थोड़ा स्टोरेज इशू के वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। सो आज से वापस चीज़ें मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो चलिए अब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो अभी एक्चुअली कल रात को जल्दी सोना हो गया था, 9:30 बजे, तो 6:30 बजे मैं उठ गई। सो चाय नाश्ता सब हो गया, एंड देन जैसे कि आप देख सकते हो, अवंतिका शोना को दिखाओ, हमारी शोना वो भी उठ गई है और उसका भी दूध पी के हो गया है सुबह का। सो वो भी इंजॉय कर रही है अभी खेत में आके। सो और जो हमारे घर पे हैं, नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें हो रही हैं, खाना बन रहा है, साफ़ सफाई हो रही है। सो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ी सी खेती। सो दोस्तों आप लोग जैसे कि देख सकते हो इस साइड ना, ये आलू की खेती है, ठीक है। ये थोड़ी लेट लगाई गई थी इसलिए देखिए इसमें सिर्फ आलू लगाया गया है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आलू कैसे लगाया गया था, ठीक है। अब ये आलू का पत्ता इतना ऊपर आ गया है, आलू का पेड़ इतना ऊपर आ गया जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये सो है, ये है आलू की खेती। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो आलू उग रहे हैं, एंड ये आलू का खेती थोड़े टाइम पहले हुआ था, ठीक है। सो इसमें देखिए एक बार पानी डाला जाता है, ये अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है इसीलिए इसमें अभी तक पानी नहीं डाला है, बट अभी हाल ही में डाला जाएगा। सो इसमें पानी डाला गया है, एंड जैसे कि आप देख सकते हो इसमें काफ़ी घास है, एंड ये देखिए इसके पत्ते, इसके पेड़ थोड़े उचित से ज़्यादा बड़े हो गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, एंड ये है हमारी रीसेंट खेती, ओके। सो ना एंड ये देखिए जैसे कि हमने पुराने व्लॉग में भी बताया था, ये हमारे चना की खेती। ये देखो हमारी शोना आ रही है, एंड ये ना दोस्तों राई की खेती है या फिर मूली की खेती, मैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहती हूँ। ये देखिए ये पूरी राई की खेती है, ओके। इसे कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं उस खेत में, क्योंकि उस खेत में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गया है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। और भाटा वहीं चले यहीं से, भाटा साटा लगा कहाँ, भाटा वो ना फुर्सत में आऊंगी ना एक दिन बड़की माई, तब बनाऊंगी। ये पालक है ना, ये पालक है। ये राई है ना बड़की माई, बड़की माई पता कैसे चलता है राई और मूली का पेड़? पता चला था मूली गोभी गोभी का है पेड़ ये।
ये तो आलू लग रहा है। यह गोभी का पेड़ है। अच्छा ये गोभी का पेड़ है और मैं इसको मूली समझ रही थी, गोभी का पेड़ है। हाँ गोभी का पेड़ है, गोभी लगाए हैं। हे भगवान, मुरई गोभी में कितना कंफ्यूजन है बड़की माई। अभी तो कई फूल गोभी दाने पे लगी है, गिरावना लगा रहा है। अच्छा ये भी गोभी है? ये गोभी है, ये गोभी सब है, मुरई है। हवा देखा यहाँ जो लाइन लगा बना। हाँ ये वाला लाइन फूल मुरई हुआ है पर आलू को सिरकते आवा तब फोटो खोलने को। आपने मूली, फूलगोभी, राई, आलू की खेती देखी। तो चलिए अब चलते हैं घर पे रूटीन। यहाँ पे देखिए हमारा छोटा सा गार्डन है, फ्लावर्स, मम्मी बैठी है, ये सब धान रखा हुआ है एंड सब अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। देखो मैं शून बैठे हैं खटिया पे एंड मेथी का पराठा एंड प्याज की सब्जी और साथ में अचार, टेस्ट ऑसम। तो मैंने ना आज तक कभी ऐसे नैन नहीं निकाला है, मतलब घी नहीं निकाला है, तो आज मैं माई के साथ बैठी हूँ और ट्राई कर रही हूँ। और ये देखिए जो निकला है ना, थोड़ा बहुत नैन है, इसको घी बोलते हैं। अब इसको गैस पे रखेंगे तो पूरा अच्छे से घी निकल के आएगा, और मुझे आ नहीं रहा था। इसके बाद माई ने करना स्टार्ट किया। यहाँ पे रेडी हो गए और आपको पता है बाहर थ्रेसर चल रहा है ना, थ्रेसर चल रहा है। हम आपको बताते हैं उसका क्या रीज़न रहता है, पहले दुपट्टे से मुँह बांध। सो हम अब चलते हैं क्योंकि बाहर ना पेरा कटा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए में ऐसा रहता है ना कि ये थ्रेसर के पर मिनट के चार्जेस होते हैं। वैसे हम खेत जा चुके हैं और अभी हमारे घर पे थ्रेसर का काम हुआ था, मतलब इससे जो धान होता है ना, जो बोझ होता है उसको चारे में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो जानवर लोग खा सके। एंड सोना भी फ्रेश होके अपना सो गई है, सो मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने माठा पिया और जैसे कि आपने नाश्ता देखा, मैंने नाश्ता खाया। माठा बता देती हूँ, जो मैं सुबह मार रही थी उसको माठा बोलते हैं। एंड ये देखिए आई शो यू, दिस इज माठा। यस एंड सो ये हमने पिया है। सोने को सोना को नाश्ते में चूड़ा और दूध खिला रहे हैं। ये देखिए ये जंग जारी है, जंग जारी है। ये देखो इधर दो चूहे खड़े। अभी हम जा रहे हैं चौराहा, हमारे गांव के मार्केट की तरफ से कुछ चीज़ें लाने और गांव का स्पेशल छोला खाने। चल इमरजेंसी में सोना रेडी हो रही है, उसको उसके नाना और उसकी दीदी रेडी कर रहे हैं क्योंकि वो भी चले गई। अभी चलते हैं बाइक पे। हम आप गाड़ी पे बैठ चुके हैं, अब हम पुर से जा रहे हैं। हम पापा कुछ सामान ले रहे थे तो मैं और सोना बाहर खड़े थे, उसके बाद गए हम नाश्ता करने। सोना कौन है?
मुझे बहुत टाइम से गांव की पानी पूरी ट्राई करनी थी, तो फाइनली आज ट्राई कर लिया। और इसके बाद हमने जहां आए हैं ना दोस्तों, यहां पे फेमस है चाट, ठीक है, तो उसके बाद हमने पनीर की चाट खाई एंड वो भी बहुत अच्छी थी। चलिए अभी हम जा रहे हैं भुतैया बारी में, ठीक है दोस्तों। मैं और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे स्पेशल क्या है। बचपन में मैं जाती थी ना, तो भुतैया बारी से ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए ये जो इतना सारा वन दिख रहा है ना आपको, पेड़ पौधे, इसी को बोला जाता है भुतैया बारी। आई डोंट नो इसकी स्पेशलिटी क्या है। बचपन में एक कहानी सुना था पापा कि अपना उंगली काट के किसी ने रख दिया था ना, मैंने सुना था, पता नहीं फेक है कि क्या है। भुतैया बारे में दोस्तों कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस एक हवा बना के रखा है, दैट्स इट। फिर जब हम घर पहुंचे शाम हो गई थी और बाबू रोज बच्चों के लिए चॉकलेट लाते हैं। बाबू सब बच्चों के लिए लाए टॉफी। नो 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 बाबू मेरे को भी। सब दोस्तों देख सकते हो आप, रात हो रही है, सूर्यास्त हो चुका है। अब ये सब जानवर अपने जगह पे जाएंगे। शुरू हो गई है बच्चों की मस्ती शाम की। इसके बाद सब खाना पीना खा के अपने अपने जगह पे हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मेरे इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड उससे भी ज़रूरी चीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन फटाफट आके देख लें। थैंक यू सो मच।